हाय फ्रेंड्स, दोस्तों हमने आपको टॉयलेट हैबिट सिखाने के लिए राणा हॉस्पिटल की तरफ से एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, जिसका नाम है नेस, यानी NESTS। ये कॉन्सेप्ट है आपको हमेशा ये याद रखने के लिए कि टॉयलेट में क्या करना है क्या नहीं करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों इसमें फर्स्ट वर्ड है एन। एन का मतलब है नेचर कॉल अंडरस्टैंडिंग। नेचर की कॉल को समझना कि कब आपको पॉटी का प्रेशर है और कब नहीं है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम टॉयलेट चले जाते हैं टाइम देखकर कि मेरे को ऑफिस जाना है या मेरे को स्कूल जाना है। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमको टॉयलेट का प्रेशर है भी है कि नहीं है। तो नेचर की कॉल को समझना, नंबर 1, जब आपको पॉटी आई है तो आप कुछ भी कर रहे हैं उस काम को छोड़ के आपको टॉयलेट जाना चाहिए। नंबर 2, कि जैसे आपको टॉयलेट का बिल्कुल प्रेशर नहीं है तो आपको टॉयलेट बिल्कुल नहीं जाना है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेचर कॉल को अंडरस्टैंड करने से ही आप 90% अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देते हो। सेकेंड वर्ड है ई। ई यानी इनफ फाइबर एंड एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस। इनफ फाइबर से मतलब है कि आपको अपनी डाइट में सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फाइबर लेनी है। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फाइबर क्या होती है? मेल्स में 25 से 30 ग्राम फाइबर लेना चाहिए, फीमेल्स में 20 से 25 ग्राम। और दूसरा आपको फाइबर, अब नेचुरल सोर्स ऑफ फाइबर क्या है? सैलेड। तो आपको लंच और डिनर में सैलेड खाना चाहिए और डेली एक टाइम फिक्स करना चाहिए जब आपको फ्रूट्स खाने हैं। और दूसरा है एब्डोमिनल एक्सरसाइज। जब आप कमोड पे बैठे हैं, टॉयलेट सीट पे बैठे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एब्डोमिनल एक्सरसाइज करनी है। एब्डोमन को अंदर को खींचा छोड़ दिया, अंदर को खींचा छोड़ दिया। ये जो ओल्ड एज है उसमें भी बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है और इससे कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में बहुत हेल्प मिलती है। इसमें थर्ड वर्ड है एस। एस यानी सिट्स बाथ। आपको ल्यूक वॉर्म वाटर में कोस से पानी में 8 से 10 मिनट रोज बैठना है और बैठकर उसमें कीगल एक्सरसाइज करनी है, यानी टॉयलेट वाली जगह को अंदर को खींचना है। जितनी देर आप होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करना है, उसके बाद छोड़ देना। इस एक्सरसाइज को करने से आपको कॉन्स्टिपेशन में और पाइल्स में दोनों में फायदा होता है। फोर्थ पॉइंट है टी यानी टाइम इन टॉयलेट। टॉयलेट में टाइम कितना लगना चाहिए, ये इस पे बहुत सारे डिबेट्स हुए हैं। बड़े लोगों के अपने अपने ओपिनियन हैं, पर आइडियल ओपिनियन ये है कि आपको यूरिन करने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम टॉयलेट में लगना चाहिए। अगर उतना ही लगता है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप बिल्कुल ठीक हो। और वो कब होगा? जब आपको पूरा टॉयलेट का प्रेशर है तब आप जाते हो, तब ये मिनिमल टाइम लगेगा। और आइडियल टाइम ऑफ सिटिंग इन टॉयलेट इज 3 to 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। और फिफ्थ वर्ड है इसमें एस यानी स्क्वेटिंग। देखिए, जो हमारी इंडियन सीट होती थी उसमें हम जब टॉयलेट करने के लिए बैठते थे तो स्क्वेटिंग पोजीशन होती थी, उससे हमारे एब्डोमिनल पे प्रेशर आता था और इजीली स्टूल पास ऑन हो जाता था। पर धीरे धीरे वेस्टर्नाइजेशन हुई, अब मेरे ख्याल से हर घर के अंदर इंग्लिश सीट ही है। उसका एक रीजन भी है, बहुत सारे लोगों को नी जॉइंट की, घुटनों की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें ना आदमी नीचे बैठ नहीं सकता, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट है कि आप एक टॉयलेट में कमोड के आगे एक स्टूल रख लीजिए, जिससे आप जब स्टूल पे अपनी टांगे रखें तो वही स्क्वेटिंग पोजिशन बन जाए जो रिक्वायर्ड है। और वो स्क्वेटिंग पोजिशन बन जाएगी तो आपको एक तो कंफर्ट भी मिल गया इंग्लिश सीट का, और स्क्वेटिंग पोजिशन से आपके एब्डोमेन पे प्रेशर भी आ गया और कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो गई। अगर आप नेस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो आपको पाइल्स है तो ठीक हो जाएगी और नहीं है तो कभी नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। हॉस्पिटल सरहंद पंजाब, कम विद पाइल्स, गो विद स्माइल्स।